हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज का वीडियो में कुछ नया करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कौन सा मोती का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये 4 mm और ये 5 mm मोती लिया है। तो पहले 2 4 mm मोती लेंगे, उसके बाद 2 5 mm मोती लेंगे। इस तरह से 4 मोती लेंगे। 4 मोती लेके नॉट लगाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बन रहा है। अभी जो है फिट 2 4 mm और 2 5 mm। पहले 4 mm लेना है, उसके बाद 5 mm लेना है। और ये 5 mm छोड़ के 4 mm जो मोती मैंने यहाँ पे लिया है, 2 मोती उसमें से नील पास करना है। इस तरह से, इस तरह से देखिए, फिर से 2 4 mm और 2 5 mm इस तरह से मोती लेना है। फिर देखिए, 5 mm छोड़ के 2 4 mm में से नीडल इस तरह से पास करना है। इस तरह से बनती जाएगा। फिर से 2 4 mm और फिर 2 5 mm। ये 4 mm में से नीडल पास करेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से बना लिया है थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे पेंडेंट लगाएंगे। अभी देखिए, 1 4 mm मोती लिया, अभी फिर से ही यहाँ पे जैसे पैटर्न में बनाई हूँ उसी तरह का पैटर्न बनाना है। पहले 4 mm मोती लेना है और उसके बाद 5 mm मोती लेना है। 4 mm, उसके बाद 5 mm। अभी 5 mm मोती छोड़ेंगे, छोड़ के ये 4 mm में से नीडल पास करेंगे। तो अपने आप ही इस तरह का पैटर्न बनते जाएगा। फिर से 2 4 mm और 2 5 mm। इस तरह से, अब इस तरह से ये पूरा माला को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं किस तरह से लगता है ये माला। ये जो 5 mm मोती है उसमें से नीडल पास करना है और कुछ नहीं करना है। इस तरह से 5 mm जो मोती है उसमें से आप इस तरह से नीडल पास करेंगे तो सब मोती एक साइड में आ जाएगा। 5 mm का जितना सारा मोती था ऐसे एक साइड में आ जाएगा और ये एक पैटर्न बन जाएगा। इस तरह से देखिए, ऐसे कितना अच्छा लग रहा है। अभी इस साइड में भी ऐसा करेंगे।
देखिए अभी माला मेरा इस तरह का लग रहा है, एकदम बिल्कुल गोल बना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।